सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, आज हस्बैंड चले गए, उसके बाद लड़का भी चला गया, दोनों लोग गए, लड़की छुट्टी है। और यहाँ पे मैंने पहले बिस्तर सेट किए, उसके बाद इधर उधर सामान जो पड़ा था, गिलास थे चाय आए की, कटोरी टोरी थी, इधर उधर था जो सामान, सेट अच्छे से किया। उसके बाद अब लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू दो दो रखी, एक तो मैंने सुबह यहीं छोड़ दी थी और दूसरी भी लेके आ गई बाहर से, देखी तो दोनों हैं, तो एक से लगा लूँगी एक बाहर रख दूँगी। और यहीं से आज ब्लॉग स्टार्ट किया है, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। झाड़ू मैंने कमरे में लगा दिया अच्छे से, और कूड़ा देख सकते हैं सुबह भी निकला था और अभी भी देखो अच्छे से चारा पाई, नीचे बैठ के नीचे सारा हटा के सारा साफ किया, क्योंकि बच्चे बैठते हैं पढ़ाई करते हैं तो कागज इधर उधर फेंकते हैं बैठ के नीचे चारपाई के नीचे। और बाहर लगा लूँगी, बाहर जाऊँगी रोड तक लगाने, तो वहाँ का बाहर का तो नहीं ब्लॉग मैंने बनाया, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो तो इसलिए कट करना पड़ेगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे तो इसलिए। झाड़ू लगाई, काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। और उसके बाद कमरे में पोछा लगाऊंगी और किचन में लगाऊंगी, बाहर लगाऊंगी, थोड़ा बाहर का क्लिप लिया था, थोड़ा शायद लगाया है मैंने, नहीं पता नहीं, याद नहीं है, इसलिए होगा ऐड तो आप लोगों से शेयर हो जाएगा, क्योंकि बनाया तो था, पता नहीं ऐड किया है या नहीं किया, थोड़ा मैंने धुलाई जो बाहर की थी तो उस का है। और यहाँ पर लगा लिया है पोछा, थोड़ा क्लिप लिया है, टाइम तो बहुत लग जाता है जब पोछा लगाओ, पूरा बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बेड है इतना बड़ा, चारपाई भी है, कुर्सी, फ्रिज, कूलर, ये सब कुछ अंदर है, कूलर तो बाहर है, और हर चीज़ है, तब भी आगे देख सकते कितनी जगह है, काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ टू रूम फ्लैट ऐसा है, इसमें एक दीवार कर दो तो दो रूम बन जाएंगे, इतना बड़ा है ये, और बाहर काफ़ी जगह है, किचन भी काफ़ी बड़ी है, तो ये सब पूरा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और बाहर रोड तक ले जाओ सीढ़ी में। ज्यादा है वो धुलूंगी, बहुत ज्यादा क्या, बच्चों के हैं, रोज की तो हो ही जाती है कपड़े। और यहाँ पे मैं पूजा नहाया, उसके बाद पूजा की, पूजा करने के बाद ऊपर के जल चढ़ाने, तो कपड़े धुले थे वो भी साथ में ले गई, क्योंकि तीसरी मंजिल पे एक ही बार मैं चढ़ती हूँ, थक जाती हूँ, मैं नहीं चढ़ती हूँ बार बार, तो इस वजह से यहाँ जल चढ़ा दूँगी, उसके बाद कपड़े डाल दूँगी ऊपर, बहुत चटक धूप थी बहुत ज़्यादा। तो ये लड़की साथ में गई थी और कैमरा इतना हिलाए जा रही, मैंने कट कर दिया काफ़ी, कैमरा इतना हिला रही थी, पकड़ती नहीं है अच्छे से, पता नहीं क्या, पूरा सुबह से लगी हूँ झाड़ू पोछा और नहा लिया, कपड़े धुल लिए, ऊपर कर के आगे पूजा हो गई भगवान की, अब जाऊंगी किचन में, टाइम हो गया है, बनाऊंगी नाश्ता, लड़की को भूख लगी है, मुझे भी बहुत बड़ी लाइट कर दो बंद, दो दो लाइटें जलती है ना, तो उस वजह से, और पूरा साफ सुथरा पड़ा है, शांति है, इस रिफ्रेश स्कूल ये नहीं जाती, लड़का स्कूल गया है, ये जाएगी 1 अप्रैल से रेगुलर स्कूल खुलेंगे, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, तो देखूँगी झटपट बनाऊँगी कुछ जल्दी, फिर उसके बाद दोपहर में फिर बनाऊँगी खाना, क्योंकि लड़का आएगा तो देखते हैं क्या बनाना है, तो बने रहना आप लोग वीडियो में, पूरा ज़रूर देखना और बताना कैसा लगा। यहाँ पे चटनी पीसी थी सिल्क से, तो ये धुली थी सिल्क, नीचे रखी तो पानी हो गया था, और जो चटनी पीसी तो इधर उधर पानी हो गया था, तो इस वजह से फिर मैंने पोंछा लगा दिया, क्योंकि फिर गीला गीला हो जाता है पैर, तो इस वजह से, और कुछ भी पड़ा हो तो पैर में चिपक भी जाएगा, तो पोंछा लगा दिया। उसके बाद प्याज ले लिए मैंने और बनाऊँगी, एक प्याज लिया है और बेसन लूँगी, बेसन लूँगी तो बनाऊँगी चीला, तीन बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि लड़की ने खाया, दो मैं खाऊंगी और बनाऊंगी दोपहर में,
छोले चावल तो इसमें ऐड नहीं किए हैं, वो वीडियो में दूसरे में डाल दूँगी, बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप लोग भी बोर होते हैं इस वजह से ज़्यादा ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे थोड़ा लिया है बेसन, ज़्यादा नहीं लिया है, इसमें डाला था जीरा, थोड़ी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार, हींग और पानी डाल के अच्छे से घोल तैयार कर लूँगी। और इधर बारीक मैंने एक टमाटर बारीक बारीक काटा है, और प्याज एक मैंने लिया था, मीडियम था, बहुत बारीक बारीक काट लिया है, और बना लूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको ज़्यादा भूख लगी है या टाइम नहीं है, बच्चे लेट हो रहे स्कूल के लिए, तो ये बना दो आप, तुरंत बन जाते हैं, तो मैं ये बनाऊँगी। और टाइम हो गया था क्योंकि 10 बज गए थे, उसी में भूख लगी थी, मैं बोली पहले काम कर लूँ, फिर मैं अगर लग गई काम में फिर ये लगता पूरा समय, तो उसके बाद ही किचन में जाऊँ नहा धो के। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने ऊपर से प्याज और ये टमाटर डाले थे, उसके बाद मैंने ऊपर से और थोड़ा बैटर जो घोल था बेसन वो डाल दिया, और बहुत अच्छी बनी थी। और अच्छे से इसमें तेल डाल दिया है क्योंकि पलटूँगी तो ये चिपके ना था वहाँ पे, इस वजह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और अच्छे से तेल लगा दूँगी दोनों साइड से, धीमी धीमी आँच में सेक दूँगी। बन गया था, उसी लड़की को दे दिया, उसके बाद ये दो मैं अपने लिए बना रही हूँ। चीला तीन बने हैं, दो मैं खाऊंगी, एक लड़की खाएगी, और ये है चटनी ये, और ये है चीला। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर ली। और फिर से आ गई थी किचन में, टाइम हो गया था, तो पहले से मैंने छोले बाल करके रख लिए थे, और यहाँ पे प्याज काट लिया है मीडियम दो, और लहसुन लिया था 7-8 जवा थे लहसुन के, वो डाल दिए हैं, और खड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता तो खड़ा ही डालूँगी, इसमें नहीं बॉयल कर दिया मैंने पीसा, और ये सब खड़े मसाले थोड़े डाले, जीरा ईरा सब, और पीस लिया था। और उसके बाद टमाटर की ग्रेवी कर ली है, तेल गरम हो गया है, थोड़ा जीरा डाल दिया, थोड़े खड़े मसाले थोड़े डाले, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मसाला हो जाता है फिर, और तेज पत्ता डाला, अच्छे से प्याज को चल भूनने दूंगी। और उसके बाद इधर मैंने चाय पत्ती डाल दी है, पानी रख दिया है क्योंकि मुझे छोले में डालना है, इस वजह से कलर आने के लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद प्याज अलग हो गया था, तेल अलग हो गया था प्याज से, मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद टमाटर डाले, टमाटर अच्छे से हो गए तो इसमें डाल दिए हल्दी, थोड़ा सब्जी मसाला डाल दूंगी, धनिया पाउडर, और बाद में डालूंगी छोले मसाला जब बन जाएगा। और ये इसमें अच्छे से छोले भी डाल दिए, चला दूंगी, ये हो गया है पानी मेरा, चाय पत्ती का ये भी डाल दिया है क्योंकि कलर आ जाता है, अच्छे बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। बस यहीं तक का था वीडियो, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, चावल धुल दिए थे, आज चावल ही बनाऊंगी, छोले चावल साइड में रख दिया है कुकर, उधर मैंने बड़े उसमें क्योंकि वो जल्दी बनते हैं उस पर, और यहीं पे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी और कुछ भी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, जो भी चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलूँगी अच्छे से।